नमस्कार जय हरियाणा टीवी चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं करम वीर सारसर जो आपको सारे दृश्य अभी जो दिखाई दे रहा है जो ये गांव है अपना छोटी पंचायत है बड़ी राजस्थान का जो हरियाणा बॉर्डर टच ये जो आप इधर जो देख पा रहे होंगे जो लोहे के जो तार लगे हुए हैं तो ये उस पार हरियाणा का जो क्षेत्र है हरियाणा की जो खेती जो लहरा रही है आपको दिखाई दे रही होगी सरसों का जो हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है इस साइड के अंदर तारों से मैं इस पार हूँ राजस्थान में और राजस्थान का जो इस पार करते ही शमशान भूमि है गाँव की तो यहाँ तो पर सर लोग हैं तो उनसे भी कुछ बात करेंगे कि कौन सा गाँव है पूरा सर से बात करेंगे सर सर सर, सर ये जो गाँव है गाँव कौन सा गाँव है सर ये छोटे गाँव अच्छा अच्छा गोठा, है।, गोठा, गोठा बड़ी है जी 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 तो सर देखिए ये जो आपने यहां पर पेड़ पौधे लगाए लगभग कितने पौधे होंगे सर ये पौधे हैं

तो मैंने 2019 में मन मनाया कि यहाँ पौधा लगाएंगे जी और मैंने यहाँ 2019 में मन बनाकर कर गया था फिर मैंने यहाँ छठे सातवें महीने में बरसात के टाइम पर मैं यहाँ खड्डा खुदवाया पूरी वार के, के नाम बाउंड्री बनवाई कच्ची उसके बाद में मैंने राजगढ़ गौशाला से खाद की टोली लाई जी टोली लाकर फिर इसमें मैं डलवाई जी। फिर पौधा मैंने कम से कम डेढ़ से लाया जी जी। ये बड़े हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको तस्वीरों के दिखाई दे रहे आ, दो साल के लगभग दो साल के लगभग क्योंकि पेड़ों की जो हाइट के अनुसार लग रहा है डेढ़ दो साल के आसपास हो तो लगभग दो सौ के आसपास डेढ़ सौ के आसपास पेड़ पौधे बिल्कुल है सर जी जी अब की बार तो ये बहुत बहुत बड़े हो गए इसलिए हमने सर्दी की कोई इनको नहीं लगाए नए आई साल उनको सर्दी का जब्ता वगैरह करते हैं सर्दी न लगे पौधों के और इनको खोदी वगैरह कटवाते हैं इनमें पूरी में क्या नाम जोत वगैरह करवाते हैं पूरी में और इनमें के नाम में इनकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं सर तो कोरोना हर संडे को आता हूँ हर संडे को इनकी सेवा कर राजगढ़ से आता हूँ राजगढ़ नगर पालिका पार्षद होंगे हाँ वहाँ से आता हूँ मैं तो सर देखिए करोना काल चला था तो करोना काल के अंदर ए, लोगों को जो गैस का ए, अपना ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए लोग दर दर भटक रहे थे अगर अगर पेड़ अगर होते तो शायद कुछ इनसे राहत मिलती सर। देखो जी पेड़ पेड़ कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला और आपको पता होगा पेड़ हमेशा ऑक्सीजन बिल्कुल सर। दूसरी बात ये है की नाम बरसात के, ना के टाइम पर जहाँ पेड़ होगा वहां बरसात होगी होगी बारिश सर हो तो फसल होगी किसान खुशहाल होगा बिल्कुल होगा बिल्कुल सर आज देखो हमारी मोक्ष भूमि में एक पेड़ नहीं था 2019 में आज कितने पेड़ हैं और ने... आने वाले दो साल में और देखना बिल्कुल। अभी बिल्कुल। तो मेहनत कर रहे हैं इसमें इसमें दूब लगाने का हमारा प्लान है हम और भी आगे जाएंगे तो ये तो हमारे शुरुआत है हम जीरो से यहाँ उठे पेड़ पेड़ और लगाने का भी बिल्कुल इसमें दूब लगाएंगे पेड़ लगाएंगे कुछ हमें गवर्नमेंट से इसकी चार दुवारी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिल रही मैं सरपंच तो गांव का कितना सहयोग है सर इस पे परसेंट नहीं है किसी भी आदमी का नहीं है मैं आता हूँ राजगढ़ से मैंने ही इस पौधों की खुदाई करता हूँ मैं इनकी कटाई करता हूँ मैं पानी को आप बताऊँगा मेरे हजार मीटर एक जोड़ा है सामने देखो आप सामने देखना जी जी बिल्कुल मैं करना चाहूंगा थोड़ा सा उधर दिखाए हाँ जी वो जोड़ा वहां से मैंने खुदाई कर कर हजार मीटर ही में पूरी में पानी लगाया है बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हीं में कनेक्शन किया पानी का बिल्कुल सर हाँ जी और पूरी में पानी बहुत बढ़िया उस कुएं का मारे बिल्कुल, बिल्कुल और सरकार से हमको मदद नहीं मिल रही सर... मदद की बात करूँ मैं मेरे एक सरपंच महोदय को मैंने कहा था कि आप नरेगा कहते वो आती है स्कीम नरेगा में वो आप मंजूर करवा दो मैंने नाम तो दे दिया था मोक्ष भूमि का लेकिन प्लान भी स्वकृत हो गया सरपंच मोदी ने मिस्टोल शून्य नाम करवा दिया शून्य जमा करवा दिया एक पैसा भी उसमें खर्च नहीं किया जीज़। जीज़। मैंने पता लगाया कि आपने सरपंच साहब ये कैसे किया बोलो करवा दिया विरोध हो गया अरे काम का क्या चीज का विरोध होता है मैं भी प्रतिनिधि हूँ बिल्कुल सर। काम का विरोध क्या एक टाइम सेट हमारे मोक्ष भूमि का आया तो होता है तो प्रतिनिधि बिल्कुल हमारे नगर पालिका राजगढ़ में आठ लाख के पौधे आए थे एक पौधा नहीं लगा कहा भी उनका अगर उनका अगर कोई मांगने वाला हो कि पौधा आपने कहा लगाए उनके पास में नहीं है बिल्कुल पौधे उनने अपने जेब में लगा लिए तो महोदय सर जैसे आपने जो बताया है यहाँ पर तो ये शोक और जज्बा तो दूसरे लोगों को भी जज्बा पैदा हो सर क्या कहना चाहेंगे इस पर मैं तो जितनी भी गवर्नमेंट ने चार करवा रखी है मोक्ष भूमि में बहुत जी करती जी है गवर्नमेंट मोक्ष भूमि में लेकिन प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते उन पर जी जी। इनका अलग प्लान आता है मोक्ष भूमि का हर चीज़ का प्लान आता है बिल्कुल सर और ध्यान नहीं देते एक भी मोक्ष भूमि में चार दुआरी के अंदर एक पौधा मेरे को बता देना और मैंने खुद मेरी मेहनत करके पौधे लगाए बिल्कुल बिल्कुल देख लो बहुत सारे पौधे लगे हैं हाँ। हर चीज बड़े यहाँ पंद्रह दस बड़े हैं पीपल है गुलमोर है हर चीज के पेड़ में यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल और मैं तो गवर्नमेंट से बार बार सरपंच महोदय से जी। और कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि हमारी मोक्ष भूमि के चार द्वारी होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ताकि अभी लोगों का बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग तो बाहर की तरफ आएंगे तो, तो सर आपके नए क्या कहना चाहेंगे से? मैं क्या तो कलेक्टर कि बारी गोठियां छोटी मोक्ष भूमि पर चार दुआरी का विचार करें जी, जी। ताकि मामी आगे बढ़े जी बिल्कुल अभी हम हमारे दिक्कत है क्योंकि पालतू जो पशु हैं जानवर है बेचारे वो आके बढ़ जाते हैं लेकिन फिर भी हम तो सुरक्षा करते हैं तारबंदी हमारे लेकिन हमारा एक निवेदन है कि हमारी मोक्ष भूमि के चार दुआरे अगर मिल जाए तो बहुत धन्य हो सरकार को बिल्कुल सर तो आपने यहाँ का जो दृश्य देखा शमशान भूमि है तो यहाँ जो पार्षद प्रतिनिधि हैं तो इन्होंने बताया जो आपको कि एक पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलता है बारिश होती है बारिश होगी तो किसान खुशहाल होगा तो बहुत से देखिए ऐसी बातें निकल के आती हैं कि जो पेड़ पौधों से बहुत कुछ निकल मिलता है फल वग़ैरह भी मिलता है पेड़ फलदार भी पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं छायादार भी हैं तो बहुत सी बातें हैं तो हमने जो पार्षद साहब से बातचीत किया तो कैमरा पर्सन को मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा जो पेड़ पौधे हरा भरा लगा है थोड़ा सा घुमा के दिखाए यहाँ से कि जहाँ पर पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं आपको तो आप जैसे ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजस्थान का जो बॉर्डर है बिल्कुल उस पार जो आपको तारे दिखाई दे रही हैं तो ये जो राजस्थान का उस पार है और राजस्थान का बॉर्डर है हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर टच तो ये तो तस्वीरें जो आप देख रहे थे जय हरियाणा टीवी चैनल के माध्यम से मैं करमवीर सार सर जय हिंद